दीवारों की भी आंखें होती हैं दिवस पकड़ी छुपा रुस्तम। हेलो एंड वेलकम टू छुपा रुस्तम। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आ गए हैं अपनी नई नई सिचुएशंस लेकर आपको खूब सारा हंसाने के लिए। जी हाँ, ज़रा सोचिए ये सिचुएशन कि अगर आपके घर में या आसपास कहीं आग लगी हो, आप क्या करते हैं? एक फ़ोन करते हैं और एक बड़ी सी फायर स्टेशन की गाड़ी आपकी आग बुझाने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर आपने फ़ोन किया और इस गाड़ी की जगह कोई लोग साइकिल पर आपकी आग बुझाने पहुँच जाएँ तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा इनका हो रहा है। छुपा रुस्तम के एक्टर्स निकल पड़े हैं बुझाने आग छुपे हुए कैमरों के साथ। लोगों से पूछ रहे हैं वहाँ का पता जहाँ आग लगी है और लोग हैं हैरान इनकी सवारी देखकर। अब ये आग बुझाएंगे या लोगों के दिमाग से निकालेंगे धुआं, जरा देखिए। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, मदद चाहिए आपकी, मदद चाहिए। एड्रेस बता दो, आग लगी है। ये एड्रेस बता दो जरा, सर एड्रेस बता दें, इधर आग लगी कहीं पे बहुत जल्दी। इन्हें बताओ, इन्हें बताओ, ये एड्रेस, एड्रेस बताना बेटा। मुरे हम एड्रेस पूछ पूछ के, ये सर इनका नाम है, इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई, पूरन चंद जी इनका नाम है, एड्रेस है गांव मुनिरका फरीदाबाद लोधी जिला। ये कैसे गांव मुनिरका? हाँ, ये तो लोधी रोड है, लोधी जिला, लोधी कॉलोनी है ये, तो ये लोधी महाराज ने बनाया था, ये वही वाला है जरा वो। हाँ, लोधी, लोधी सर, ये लोधी कॉलोनी लिखा है, लोधी कॉलोनी है, लोधी जिला नहीं है, ये दूसरा लोधी है। दूसरा कौन सा? ये पल्ली साइड में, पल्ली साइड में, पल्ली साइड सर पड़ेगा, गांव मुनिरका फरीदाबाद लोधी जिला, लोधी जिला। फरीदाबाद लिखा है, फरीदाबाद फरीदा जलाल है। फरीदाबाद कहाँ से है? ये फरीदाबाद, ये फरीदाबाद थोड़ी है, लोधी जिला तो है, पर लोधी जिला है। हाँ, पर मुनिरका लिखा हुआ तो आपको जाना पड़ेगा। और ये फरीदा जलाल, फरीदा जलाल, फरीदाबाद तो बहुत दूर पड़ेगा, तो कैसे जाना पड़ेगा अंकल? एक्चुअली आग लगी हुई है वहाँ पे। अरे आग तो, गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी तो साइकिल है। ये आग बुझाने की गाड़ी है, इससे फरीदाबाद जाओगे? क्या नाम लिखा है ये? क्यों भैया, आपकी आंखें कमजोर हैं क्या? सफदरजंग एयरपोर्ट, सफदरजंग एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से बीच में से निकल के आएगा रेसकोर्स, रेसकोर्स के बीच में से निकल के सामने पल्ली। अरे किस किस के बीच में से निकले? ये जल्दी वाला काम तो है यार, ये आप यहाँ बैठे हुए और फरीदाबाद कहाँ पे है? आग तो फैल जाएगी वहाँ पे, आग तो फैल जाएगी। तुम फरीदाबाद से आए? फरीदाबाद से आए। तो साइकिल में आ रहे हो तुम? फरीदाबाद से ये एयर वाली साइकिलें ले रखी हमने जी, ये कस हमारी नई एजेंसी निकली है ना, ये आग बुझाओ जल्दी। हेलो पापा। हाँ, कौन बोल रहे सर? आप पूरन चंद जी बोल रहे हैं क्या? हाँ पूरन चंद जी। सर जी, आपके फायर वालों को थोड़ा एड्रेस नहीं मिल रहा। अरे भैया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी गाँव मुनीर का फरीदाबाद है। डिस्टर्ब मत करो यार, ये फायर ब्रिगेड वाले हैं, ये ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये लोधी रोड दिल्ली पहुँच गए तो? ये किस जगह पे है आपका? ये लोधी जिला लिखा है। ये हम फायर ब्रिगेड से बोल रहे हैं, कहाँ से कहाँ है आपका, एड्रेस क्या है? आप तो ये तो लोधी कॉलोनी में घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं फरीदाबाद को आग बुझी है, लगी हुई है? आग लग गई है, लगी हुई है या बुझ गई है, क्या है? गुड़गांव में है आपका? गुड़गांव के पास है? गुड़गांव, यहाँ तो फरीदाबाद, यहाँ फरीदाबाद लिखा हुआ है, आपने गुड़गांव लिखा बता रहे हैं। आग बुझ गई है अभी, है लगी है? अरे यार, गुड़गांव फरीदाबाद में कितना देर, आग बुझ गई नहीं बुझ गई अभी? तो सीढ़ी मिल गई है? कहाँ पर? सीढ़ी नहीं दिखता है। सीडी मिल गई क्या? तो सीडी मिल गई है। नहीं नहीं भैया, आप सीडी नहीं दे सकते, वापस दे देंगे। माना करो, मैं दे रहे गांव में। ये एक आंटी खड़ी है, आप इनको बता दो जरा एड्रेस। आंटी खड़ी है यहाँ पे, आप इनको समझा दो प्लीज, हम बहुत परेशान हो गए हैं हम, आप इनको बता दो प्लीज, आप रूट समझ लीजिए और यहाँ लिखवा दो। हमें इतना नहीं पता। हेलो, आग बुझ गई या कोई पहुँचा है उधर? अभी तक नहीं पहुँची। बलबीर और रमेश, बलबीर रमेश दो आदमी है वहाँ पे। बलबीर और रमेश पहुँच गए वहाँ? कोई बलबीर रमेश के साथ पहुँच गया क्या? बलबीर जी पहुँच गया, वो कह रहे हैं कि अगर एक साइकिल और आ जाए तो जल्दी पहुँचे। आग नहीं बुझी। नहीं, आप गलत एड्रेस दोगे तो ये लोग कैसे पहुँचेंगे? दो घंटे हो गए, बोल दो दो घंटे हो गए, दो घंटे हो गए, ये फरीदाबाद में बैठे हुए हैं। अभी सर पानी भी लेना रास्ते में, कह देना सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी मिल गई, सीढ़ी लेकर हम आ रहे हैं। भैया हम नहीं दे सकते सीढ़ी, सीढ़ी 5 मिनट के लिए लेंगे हम। नहीं नहीं, आप बुझा के वापस। गाँव के लिए तो यहाँ से 50 किलोमीटर है। कितना रास्ता बता? आप मेट्रो लो यहाँ से। हाँ, ये गाड़ी वहाँ पार्क, साइकिल का गाड़ी कर दें यहाँ जोर बाग से। हाँ,
और जो वहाँ से मेट्रो लो गुड़गावा के लिए। या कि कौन से कमरे में आग लगी है, क्या है ये बिल्डिंग में आग लगी हुई है यार, उनके उनके और सीढ़ी चाहिए थे, सीढ़ी मिल गई भैया। हाँ। सीढ़ी तो हम जा रहे हैं काम करने के लिए, हम दिखा देंगे आपको, हम दिखा देंगे यार भैया। ऐसे नहीं 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 भैया, आग वाग देखिए, धुआं निकल कर कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटे तो आग बुझ गया, तब तक फिर क्या करें, साइन करा लें सर। ऐसा करो आप लिख दो हमारी हमारी, मैं तो आज ही ज्वाइन किया है, मेरी नौकरी चल जाएगी, मैं तो बुझ गई लिख दो बस, बुझ गई लिख दो, आगे आग लिख देंगे, बुझ गई हम आगे आग लिख देंगे। इनको साहब इनको कहीं जाना वाना नहीं है, पता है भाई, रुक जाए इधर, तो समझ पा रहे बात को, क्या बात समझ, इनको जाना वाना नहीं, कहीं एक्टर हैं हमारे। हाँ तुम टीवी पे आ रहे हो तुम इस टाइम, समझ गया, खुश हो जाए थोड़ा, मजा आ गया तुम्हारे साथ, इजी हो जाएगा सर, अंकल लिख दो। नहीं नहीं वो बड़ा आसान हो जाएगी हमारी, हम जल्दी आग बुझा देते हैं, हम हर टाइप की आग बुझाते हैं, घर की आग लगी हो। अरे आंटी जी सच्ची में आंटी गुड़गांव जाएंगे वहाँ से। आपको एक बात बताऊँ, ये दोनों ना कहीं आग बुझाने नहीं जा रहे हैं, ये दोनों ना एक्टर हैं हमारे, एक्टर हैं। हाँ अच्छा अच्छा, और आप इस टाइम टीवी पे हैं। अच्छा अच्छा, इधर तो आइए, अच्छा दिखाएं आपको, अच्छा 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 अच्छा, और आप हैं इस टाइम टीवी पे। अच्छा आप टीवी पे इस टाइम, कैमरा देखिए इधर लगा हुआ है, ये लगा हुआ कैमरा भी लगा हुआ है, प्रोग्राम का नाम है आंटी जी छुपा रुस्तम। एक छोटी सी सुई ऐसे ऐसे काम कर सकती है जो बड़ी बड़ी तलवारें भी नहीं कर सकती, जैसे कि कपड़े सिलना, तलवारों से नहीं कर सकते ना। हमारे एक्टर निशांत ठीक यही कर रहे हैं, वो चाहते हैं अपनी शर्ट सिलवाना लोगों से, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनकी सुई कुछ ज्यादा ही छोटी है। हमारे एक्टर निशांत तैयार हैं सुई धागे के साथ लेने लोगों की सिलाई की कला का इम्तिहान अपनी फटी हुई शर्ट के साथ। भाई साहब एक मिनट है आपके पास, एक सेकंड के सिर्फ यहाँ से एक मिनट के लिए पकड़ लीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी। ये शर्ट दी थी टेलर को सिलने के लिए, गलत सिल दी है, स्टिच कर देंगे प्लीज। आंटी जी आपको आता है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई मारनी है ना, मेरे पास सुई है मुझे आता नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना, आप साथ नहीं उनके, यहाँ से पकड़ो ना, ऐसे क्यों खड़े हो, दोस्त नहीं सर, ऐसे पकड़ो, रॉन्ग दिस सपोज टू बी स्टिच, ही डिड इट द रॉन्ग वे, आई हैड गिवन इट टू माई टेलर, आई नो ही जस्ट मेस्ड इट अप बिग टाइम, आई जस्ट नीड टू। किस चीज़ की मुश्किल हुआ, ये गलत सिल दिया टेलर ने, नहीं कौन से टेलर हुए, सिल नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं अब जैसा भी कुछ भी करेंगे मुझे सिर्फ पहनना है। शादी हुई है आपकी? शादी से नहीं हुई, शादी होती है सिलाई करनी नहीं आती, ऐसी कैसी शादी हुई है? अरे दहेज में सिलाई का कोर्स होता है क्या? आई गॉट अ नीडल बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। इससे क्या फायदा होने वाला है पहननी में कोई शर्ट? इस शर्ट से अच्छा तो ऐसे ही चले जाओ। अब इस साइड से, उस साइड से डालिए, मैं इस साइड से निकाल लूंगा, हंसिए मत, आपको हंसी आ रही है मेरी मजबूरी पे। कोशिश कीजिए, इंसान कोशिश करने से ही सफल होता है। छुपा रुस्तम के कैमरों से अनजान लोगों की कोशिश जारी है। अगर आपको इस सुई में प्रॉब्लम है, मेरे पास एक सुई और है, I've got one more needle, maybe that would help, I've got one more needle। पूरी तैयारी के साथ आया है। I've got a bigger needle। एक सुई और है मेरे पास, अगर इसमें वो होगा तो इससे सील दीजिए, इससे कर दीजिए। ये सुई है या तलवार? रोज फिर ऐसा करो, अगर तुम नहीं कर लो इससे नहीं होगा, ऐसे करिए, स्टिच करिए। पेनी तो है, शायद हो जाए। I got one more. Come on, see. This work? This work? Learn how to do it. Get your hands. See how I done it. Okay. But it's not done. You finish it. Tight. Dum laga ke. Hai sha. भैया ये सिलाई हो रही है या कुश्ती? बेच रहे हो क्या? आई अब आप कौन? बेच रहे हो? आपको खरीदनी है शायद? हाँ देखो ना, मैं पूछ रहा हूँ, ये तो पुरानी है यार, मैं नई है। आप खरीद लो ना, आप खरीद लो, मैं नई ले लूँगा, अभी ये खरीद लो। पुरानी मैं, अरे खरीद लो ना, 50 रुपये थोड़ा सा पुरानी ये आके ये सील रहे थे, इन्होंने इनको भी नहीं सीलने दी, भाई साहब मेरी ये शर्ट खराब हुई थी, ये भाई साहब मदद कर रहे थे, बीच में आ गए। भैया करण अर्जुन बाद में खेल लेना, पहले ही कर दो यार, ऐसे मत करो, मेरी शर्ट अच्छी खासी सिल रही थी, आपने क्यों नहीं सिलने दी? अब देखो एक बात बताऊँ आपको, ये हमारा एक्टर है, आप इस टाइम टीवी पे हैं,
छोटा सा मजाक किया गया। एक कैमरा उधर लगा हुआ है इस गाड़ी में, एक कैमरा यहाँ से आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तीसरा कैमरा वहाँ से आपको रिकॉर्ड कर रहा है। जस्ट प्ले द प्रैंक ऑन यू, दिस इज अ माइक। इतनी मेहनत के बाद ये हंसी कितनी अच्छी लगती है। अरे अरे हुजूर, सोफे पर जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, गिरिए मत और कहीं उठकर जाइए भी मत, क्योंकि हंसी मजाक और शरारतों का सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्चुअली ना मुझे इन्हें पैसे देने हैं, मैं मेरे बैग में पैसे निकाल दीजिए, एक्चुअली मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। दीवारों की भी आंखें होती हैं, दिल पकड़ के छुपा रुस्तम, दीवारों की भी आंखें होती हैं, दिल